विश्व विख्यात श्री ज्वाला जी मंदिर में माघ शुक्ल पक्ष के नवरात्रे शुरू हो गए हैं। इन नवरात्रों का विशेष महत्व ये है कि इनमें माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। इन गुप्त नवरात्रों में माँ सती की विशेष पूजा की जाती है। माघ शुक्ल पक्ष नवरात्रों का शुभारंभ विधायक रमेश धवाला व SDM ज्वालामुखी राकेश शर्मा ने माँ ज्वाला जी में पूजा अर्चना हवन व कन्या पूजन कर माघ शुक्ल पक्ष नवरात्रों का शुभारंभ किया। इस संदर्भ में स्थानीय विधायक रमेश धवाला ने कहा कि ज्वाला माँ का आशीर्वाद सदा बना रहे और वे अपने भक्तों पर यूं ही कृपा बरसाती रहें। उन्होंने कामना की कि इन नवरात्रों में माँ ज्वाला जी विधानसभा वासियों व प्रदेश वासियों के हर मनोकामनाएं पूर्ण कर प्रदेश को सुख समृद्धि प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इन नवरात्रों में हर साल की भांति 51 पुजारी और ब्राह्मणों को माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अनुष्ठान किया गया है और यह अनुष्ठान विश्व कल्याण अर्थ किया जाता है। मंदिर में ये गुप्त नवरात्रे जो लगे हैं, आज से लगे हैं, तो मैं ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र की जनता को और हिमाचल प्रदेश की जनता को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देवी माता का आशीर्वाद जो है और वो हर समाज के तबके पर, बच्चों पर, वृद्धों पर, नौजवानों पर माता का आशीर्वाद जो है वो बना रहे और माता की अनुकंपा से यहाँ पे जो जो चाहे कोई जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, हम ये माता से ये प्रार्थना करना चाहेंगे, माता की अनुकंपा से यहाँ कोई भी ऐसी वारदात जो है वो ना हो, ऐसा आशीर्वाद माता से हम चाहते हैं। जय माता। वहीं पुजारी अवनेन्द्र शर्मा ने कहा कि आज से गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। इन नवरात्रों में माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इन नवरात्रों में जो श्रद्धालु माँ ज्वाला जी के द्वार पर आता है और पवित्र ज्योति ज्वाला के दर्शन करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि इन नवरात्रों में हर साल की भांति विश्व कल्याण के लिए अनुष्ठान मंदिर द्वारा किया जाता है। इन गुप्त नवरात्रों में किया हुआ जप लाखों गुना फल देता है और इस अनुष्ठान में दुर्गा सप्तशती के पथ, विटुक का जाप, गणपति का जन, गायत्री का जप और माँ ज्वाला के मूल मंत्र का जप किया जाता है और यह अनुष्ठान 8 दिन तक चलता है और नवमी को इस अनुष्ठान का हवन किया जाता है और पूर्ण आहुति भी डाली जाती है, जिसमें पूरा पुजारी वर्ग व स्थानीय लोग इस हवन में पूर्ण आहुति में भाग लेकर पुण्य का फल प्राप्त करते हैं। माता की सभी भक्तों को महामाई की ज्वाला माई का आशीर्वाद मिले और महामाई आज से ज्वालामुखी मंदिर में गुप्त नवरात्रों का शुभारंभ होने जा रहा है। आज महामाई का पहला नवरात्रा है और ये जो नवरात्रे हैं इनको गुप्त इसलिए कहा गया है कि इसमें आदमी जो भी माता के भक्त हैं वो अपनी जो भी इच्छाएं हैं उन अभिलाषाओं को पूर्ति के लिए महामाई का अनुष्ठान, पूजन, जप कर सकते हैं और ये जो है नवरात्रे इसमें सिद्ध होते हैं। इसमें किया हुआ जप लाखों गुना फल देता है और सभी मंत्रों की जो है महामाई से प्रार्थना करते हैं उससे उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आज ज्वाला जी मंदिर न्यास की तरफ से 51 ब्राह्मण माता जी के मूल मंत्र गणपति पटुक गायत्री और गणपति और महामाई दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे और ये पूरे 101 पाठ होने के उपरांत 26 तारीख को नवमी के दिन महामाई के गर्भगृह के अंदर यज्ञ के द्वारा महामाई को सभी ये जो जप और होम का जो परिमार्जन है महामाई को अर्पित किया जाएगा और महामाई से प्रार्थना की जाएगी कि महामाई ये जो नंबर से सबके लिए खुशी और मंगलमय हो और कन्या पूजन के बाद में भंडारे का आयोजन किया जाता है और मैं महामाई के भक्तों से प्रार्थना करूंगा कि वो इस जो आयोजन हो रहा है इसमें आकर महामाई के दर्शन करें, माँ का शुभ आशीर्वाद और माँ का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। भीड़ भी कम है और मौसम भी बहुत बढ़िया है और बसंत ऋतु का शुभ आरंभ हो रहा है और महामाई के ज्वालामुखी मंदिर में ये जो पूरे वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, नव वर्ष के पहले नवरात्रे जो हैं जो माघ मास के प्रतिपदा को शुभ आरंभ होते हैं जो आज से शुरू हो रहे हैं,
और दूसरे नवरात्रे जो है वो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होते हैं। तो मैं महामाई के भक्तों से यही प्रार्थना करूंगा कि इस मौके पर आएं और महामाई का आशीर्वाद लें और पुण्य के भागी बने। जय माता की।